वन वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न विद रश्मि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज चैप्टर क्लास तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसके कुछ एमसी क्यूज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है अपलोडेड है जिसमें हमने नाइन्टी फोर क्वेश्चन एमसी क्यूज के किए थे तो आई होप आप लोगों ने वीडियो जरूर देखी होगी अगर नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं जाकर देखिए वीडियो ट्वेंटी मार्क्स एक बहुत बड़ा आ, आपका एक सपोर्टिव हैंड हो जाएगा एक हेल्प करेंगे आपके परसेंटेज को बूस्ट करने में तो यहाँ परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी इन ट्वेंटी मार्क्स से और जो जिन बच्चों का थोड़ा डर लगता है कि मार्क्स कैसे आएंगे हम मार्क्स कैसे लेके आए पास कैसे हो या ट्वेंटी मार्क्स में हमारी गलतियां होती हैं सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए रामबाण है ये वीडियोज तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए एमसीक्यूज अपने स्ट्रॉन्ग करिए तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर अगर हम बात करते हैं तो कौन होते हैं वो एफ डब्ल्यू टेलर यहीं पर सेकेंड क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट अब आ गया जनरल मैनेजमेंट तो जनरल मैनेजमेंट के हेनरी फेॉल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल इज कनेक्टेड विद हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड इस प्रिंसिपल को किसके साथ कनेक्ट किया गया है मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ कंपनी विद वर्कर्स। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टास्क साइंटिफिक इंक्वायरी या ऑब्जर्वेशन एंड एनालिस तो यहां पर है मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ कंपनी विद वर्कर्स ठीक है जो भी गेन हुआ है जो भी प्रॉफिट होता है मैनेजमेंट को वो उसमें से कुछ परसेंट अपने एम्प्लॉय के साथ अपने वर्कर्स के साथ जरूर शेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज विद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसका मतलब क्या हैड वन प्लान वन हैड डिफरेंट प्लान प्लानिंग बाय बायप्लॉय या प्लानिंग बाय प्रोडक्शन मैनेजर तो वन हैड वन प्लान यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक हेड होगा और एक ही प्लान की तरफ वो काम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एस्प्रिट डिकॉप्स मीन्स तो एस्प्रिट डिकॉप्स एस्प्रिट डिकॉप्स मीन्स गैंग प्लैंक नहीं बिल्कुल नहीं गैंग बॉस और द यूनियन इज स्ट्रेंथ यस यूनियन इज स्ट्रेंथ तो आपको याद हो एक एक हैंड बना हुआ था है ना इस तरीके से मुट्ठी सी बनी हुई है उसको हम बोलते थे एस्प्रिट डिकॉप्स वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है फिर भी थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन गैंग प्लैंक इज कंसर्न विद गैंग प्लैंक क्या होता है इमरजेंसी इमरजेंसी में यूज किया जाता है ना uh, तो कॉन्टेक्ट नॉट अलाउड इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट बिफोर एप्लीकेशन आपको याद हो तो ये होती थी स्केलर चेन और यहाँ पर लेवल टू लेवल अगर लोअर लेवल है तो लोअर लेवल के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है तो उसे बोलते थे हम गैंग प्लैंक तो यहां आता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर नॉट कंसिडर्ड विथ एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू टेलर से, से किसके साथ कनेक्टेड नहीं है मैथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी फैटिक स्टडी भी था स्केलर चेन नहीं था तो आंसर क्या होगा इसका डी नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज कंसर्न फंक्शनल फॉर्मेनशिप किसके साथ कंसर्न है मार्केटिंग डिविजन ऑफ वर्क इंश्योरेंस गैंग प्लैंग फंक्शनल फॉर्मैनशिप हर फंक्शन का एक अलग अलग फॉर्मैन आपको याद हो फोर फॉरमैन बताए थे है ना तो यहाँ पर क्या है ये डिविजन ऑफ वर्क वर्क को डिवाइड करना नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप इज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फंक्शन ऑफ का नॉट टू प्रोवाइड फ्री टाइम टू वर्कर्स नहीं बिल्कुल नहीं सेपरेट प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन हाँ बिल्कुल सही है To separate top management from CEO, to work, तो सेपरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम सीईओ बिल्कुल गलत है नॉट टू डिवाइड वर्क बिल्कुल गलत है तो आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज मोशन स्टडी का मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मोशन स्टडी मोशन स्टडी में क्या था एलिमिनेट करना है ना मोशन स्टडी में ये देखा जाता था कि एक वर्कर को अपने टूल्स के लिए कितनी बार बैंड करना पड़ता है कितनी बार झुकना पड़ता है कितनी बार मूवमेंट उसके होते हैं ठीक है तो उन्हें एलिमिनेट करने का काम करता था मोशन स्टडी तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें साइंस नॉट रूल ऑफ थर्म प्रिंसिपल इज गिवन बाय किसने दिया है ये प्रिंसिपल ऑब्वियसली टेलर ने एफ डब्ल्यू टेलर ने है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इज़ द मेन स्टडी स्टडी मतलब थकान Fatigue का मतलब होता तो होकर हो काम करे है ना पूरी एफिशिएंसी के साथ तो यहाँ पर क्या है रेस्ट इंटरवल रेस्ट इंटरवल कितने टाइम में दिया जाना है तो कितनी देर बाद वो थक जाता है कि उसे रेस्ट इंटरवल दिए जाने चाहिए तो आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन सिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबाउट रूट क्लर्क एंड गैंग बॉस तो कौन सी प्रिंसिपल में बात की जाती है रूट क्लर्क की या गैंग बॉस की इक्विटी नहीं ऑर्डर नहीं फंक्शनल फॉर्मैनशिप यहां पर हमने फोर फॉर्मेन बताए थे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना? Root clerk है ना रूट क्लर्क है गैंग बॉस है रिपेयर बॉस है ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज कंसर्न विद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑर्डर का मतलब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन देने से लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या था सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में ये सामान रखा होना चाहिए चाहे पर्सन का है उसका भी एक फिक्स जगह हो टूल्स के लिए कोई फिक्स जगह हो तो यहाँ पर था सीक्वेंस एक फिक्स प्लेस है ना तो ऑर्डरली अरेंज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज हाँ ऑर्डरली अरेंज कर रहे हैं गिविंग ऑर्डर नहीं बिल्कुल नहीं मैं बोल रही थी ना ऑर्डर का मतलब बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस आंसर को क्लिक करेंगे जबकि ये गलत आंसर है रिसीविंग ऑर्डर बिल्कुल नहीं ऑर्डर से ऑर्डर का मतलब है ही नहीं इंस्ट्रक्शन है ही नहीं ऑर्डर से मतलब है सीक्वेंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में सामान रखना या रिसोर्सिस को रखना तो आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसिंग आई विद वी आई को रिप्लेस करके वी के साथ तो ये कौन सा था हमारा ऑर्डर नहीं ऑर्डर की बात नहीं कर रहे इक्विटी की बात नहीं कर रहे है स्प्रिड एक ग्रुप में काम करना जो आई को रिप्लेस करता है वी में हम हम मैं को छोड़कर हम पर ध्यान दिया जा रहा है है ना ग्रुप में काम कराना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेल फेल ने कौन सा प्रिंसिपल दिया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हाँ फेल का है इक्विटी फेल का है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का है प्रिंसिपल्स हैं फेऑल के तो ये सारे किसके हैं फेल के ऑल द ऑप्शन नेक्स्ट विच इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक वर्क टेक्निक की बात की जा रही है टाइम स्टडी मोशन स्टडी फैटिक स्टडी सारी ही स्टडी हमारी यहाँ पर है ना तो यहाँ पर वेल डिफाइंड जॉब तो यहाँ पर uh, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए राइट तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसा कौन सा है uh, यहाँ पर कौन सी स्टडी की बात की जा रही है एक टाइम टेकन कितना टाइम लिया जा रहा है उसके लिए हमें यहाँ कौन डिफाइन करता है कि कितना टाइम लिया जाएगा इनमें से टाइम स्टडी मोशन स्टडी फैटिक स्टडी मैथड स्टडी टाइम स्टडी में डिसाइड किया जाता है कि कितना टाइम लगेगा किसी जॉब को परफॉर्म करने में मोशन स्टडी में क्या था जो अननेसेसरी मूवमेंट्स थे उन्हें एलिमिनेट करना फैटिक स्टडी में कितने टाइम बाद इंप्लॉय थक जाता है उसे रेस्ट इंटरवल्स दिए जाते थे मैथड स्टडी में बेस्ट वे देखा जाता था कैसे काम किया जाना है तो ये होता है टाइम स्टडी जिसमें टाइम टेकन पर को कंसिडर किया जाता है कि कितना टाइम लगेगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द मैथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन टाइम स्टडी मैथड किस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क दोनों पर डिपेंड करता है वॉल्यूम पर भी और फ्रीक्वेंसी पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द ऑब्जेक्टिव्स

आपने देखा होगा जो एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है उसको एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाते हैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिए जाते हैं बोनस दिया जाता है तो ऑल द ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन डैश स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग पुटिंग ऑब्जेक्ट सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन अभी हम इसकी बात कर रहे थे मोशन स्टडी यहाँ पर ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि एक वर्कर को कितनी बार लिफ्ट करना पड़ रहा है समान उठाना पड़ रहा है बैठना होगा या पोजीशन अपनी चेंज करनी पड़ रही है किसी काम को करने के लिए तो ये सारी चीजें स्टडी इन सब की स्टडी की जाती है मोशन स्टडी में नेक्स्ट ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट विच टाइप मोशंस तो कौन से मोशंस की बात की जाती है मोशंस विच आर प्रोडक्टिव वो भी नोटिस किए जाएंगे मोशंस विच आर इंसिडेंटल हाँ ये भी नोटिस किए जाते हैं मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव तो ये सारी ही चीजों को इंक्लूड किया जाता है तो ऑल द ऑप्शंस

Uh, उसके फीचर्स uh, क्या क्या रखने होंगे उसकी शेप क्या होगी ये सारी चीजें तो टू रिड्यूस प्रोडक्ट फिक्स टाइप साइज एंड फीचर्स हाँ स्टैंडर्डाइजेशन ये रिड्यूस करता है बिल्कुल ठीक है टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वेरियस पार्ट्स बिल्कुल सही है टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल सारी ही चीजों पर ध्यान दिया जाता है तो सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं तो ऑल द ऑप्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा नेचर नहीं है एब्सुल्यूट बिहेवियर फ्लेक्सीबल यूनिवर्सल तो एब्सोल्यूट यहाँ पर फीचर इसका नेचर इसका नहीं होता मतलब फिक्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द एम ऑफ मैथड स्टडी मैथड स्टडी का एम क्या है टू फाइंड वन बेस्ट मैथड ऑफ डूइंग द जॉब टू फाइंड नन मैथड ऑफ डूइंग द जॉब टू फाइंड टाइम मैथड ऑफ डूइंग जॉब तो यहां पर होते हैं हमने अभी बात की थी ना कि एक बेस्ट मैथड को सिलेक्ट किया जाता है तो आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले किसने निकाले थे हेनरी फ्योल जेम्स लॉन्डे रोल uh, काउंटर्स her, uh, या एफ डब्ल्यू टेलर तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स आए थे या फंक्शंस आए थे मैनेजमेंट के वो आए थे हेनरी फ्यल के थ्रू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर द प्रिंसिपल्स डेवलप्ड प्रिंसिपल्स को कैसे डेवलप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हाँ बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर तो सारे ही ऑप्शन यहाँ ठीक है तो ऑल द ऑप्शन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन हार नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल इज कनेक्टेड विद किसके साथ कनेक्टेड है तो ये भी थोड़ी देर पहले की बात की थी इसी क्वेश्चन की सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है. आंसर ए आगे चलते हैं इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है फिर से रिपीट हो गया है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फ्योर फोर्टीन प्रिंसिपल्स नेक्स्ट क्वेश्चन

क्या डिफाइन करता है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल इसमें बताया जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमने बात की थी ना स्केलर चेन अगर ए को बी सी डी और ई e, यहां ए को अगर ई e से बात करनी है तो पहले बी से जाएगा बी से सी सी से डी और डी से फिर ई e से वो कॉन्टेक्ट करेगा ठीक है तो ये ये जो प्रोसेस था ये किस में आता था हमारा स्केलर चेन में तो आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वेथ वैन यूनिफॉर्मिलिटी इज इन इंट्रोड्यूज इन मटेरियल्स मशीन टूस मैथड्स ऑफ वर्क एंड वर्किंग कंडीशन आफ्टर ड्यू रिसर्च तो यहाँ हमें टेक्निक बतानी है जिसमें इन सब का ध्यान दिया जाता है तो यहाँ पर क्या था ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है ना वर्क स्टैंड स्टैंडर्डाइजेशन में ध्यान दिया जाता है कि यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम हो है ना शेप uh, साइज और ये सब डिसाइड किया जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट सुपरवाइज ईच वर्कर तो यहाँ पर क्या है फंक्शनल फॉरमैनशिप मैथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी इन तीनों की तो बात की ही नहीं गई है आंसर क्या होगा हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप जहां पर स्पेशलिस्ट सुपरवाइज करते हैं सारे काम को राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है अर्निंग प्रॉफिट ग्रोथ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मेकिंग यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट नहीं है तो यहां पर क्या है अर्निंग प्रॉफिट ग्रोथ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट या पॉलिसी मेकिंग आंसर क्या होगा आपका तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका पॉलिसी मेकिंग आंसर डी ये आंसर गलत है आंसर डी आंसर डी आएगा पॉलिसी मेकिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कौन सा एक फंक्शन नहीं है कोऑपरेटिंग प्लानिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग कोऑपरेटिंग कोई फंक्शन नहीं है ठीक है ये क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका हिना एंड हरीश आर अ टाइप इन अ कंपनी हैविंग सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हिना इज गेटिंग थ्री थाउजेंड पर मंथ हरीश फोर थाउजेंड पर मंथ एज सैलरी फॉर द सेम वर्किंग आर विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायोलेटेड देखिए दोनों सेम काम कर रहे हैं हिना को थ्री थाउजेंड पर मंथ मिल रहे हैं जबकि हरीश को फोर थाउजेंड पर मंथ मिल रहे हैं सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेमोन फेयर रेमोन तो है ही नहीं तो कौन से प्रिंसिपल को यहाँ वायोलेट किया गया है मान किसको अवॉइड कर रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेमोनरेशन नेक्स्ट प्रिंसि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई इज इट सेट दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्रे क्यों कहा जाता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है क्योंकि उन्हें हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड हाँ बिल्कुल सही दे कैन बी फिक्स नहीं फिर फ्लेक्सीबल कहा हुए बिल्कुल गलत है तो आंसर कौन सा होगा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गए फोर्टीन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा किसने दिया ये हैंड्री फ्यल नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड्री फ्यल वॉज अनरी फ्यल कौन थे एक इंजीनियर थे इसके बारे में पढ़कर जरूर जाना बेटा हैंनरी फ्यूल के बारे में तो मैकेनिकल इंजीनियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन किया क्या था इसका फाइव तो नेक्स्ट हैं फ्योल, फ्योल अभी, अभी अभी बात की है एक इंजीनियर थे अब कौन से इंजीनियर थे फ्रेंच के फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर टेलर बुक

सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी बिल्कुल सही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बिल्कुल सही सही है है साइंटिफिक लिए जाते हैं सही है. तो ऑल द ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट सिक्योरिंग द लॉयलिटी एंड डिवोशन ऑफ इम्प्लॉयज बाई गिविंग दैम फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं यहां पर कि दोनों सभी को लॉयलिटी डिवोशन के साथ साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा ट्रीटमेंट दिया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी सॉरी इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी समानता का अधिकार ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायटेड इफ एन एम्प्लॉय इज आस्क टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर्स दो सुपीरियर से ऑर्डर लेना है जबकि हमारे में क्या था वन बॉस वन ऑर्डर एक बॉस एक ही ऑर्डर देगा यहाँ एक बॉस तीन लोगों को ऑर्डर नहीं देगा तो तीनों कन्फ्यूज हो जाएंगे है ना एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है ना कि एक ही पर्सन से कमांड मिलेगी उन्हें दो दो बॉस नहीं होंगे एक ही बॉस होगा देन वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय टेलर कि वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो प्लान को कंप्लीट करने में या इम्प्रूवमेंट के लिए काम करे है ना तो यहाँ पर क्या था कैसे वो वर्कर मोटिवेट होगा इनिशिएटिव अगर हम उसे इनिशिएटिव लेने दें उसकी भी बात सुने तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशियटिव नेक्स्ट टेलर प्रिंसिपल्स आर स्पेसिफिक एज दे आर साइंटिफिक इन नेचर डॉक्टर इन नेचर मैनेजर इन नेचर साइंटिफिक इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन टेलर प्रिंसिपल्स आर क्या है टेलर के प्रिंसिपल्स? स्पेसिफिक है जनरल है यूनिवर्सल है स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं आपने हेडिंग में देखा होगा स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं स्पेसिफिक हैं ये विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन विच वेस दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज ंग द सेम ऑब्जेक्ट मस्ट हैव वन हैड वन प्लान एक्सप्लेन द प्रिंसिपलबल एग्जाम्पल कौन से प्रिंसिपल की बात की गई यहां परिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑल द ऑप्शन वन हैड वन प्लान एक ही हैड होगा एक ही डायरेक्शन में उनके प्लान होंगे एक ही प्लान होगा ठीक है तो ये क्या था आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्योल डिसिप्लिन रिक्वायर्स फ्योल का कहना है कि डिसिप्लिन में इन चीजों की जरूरत होती है किसकी गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल हाँ तभी वो डिसिप्लिन रखेंगे सभी काम सिस्टमेटिक वे में चलेगा एग्रीमेंट शुड बी क्लियर एंड फेयर वेरी गुड सही है बिल्कुल पेनल्टी शुड बी फेयरली इम्पोज हाँ पेनल्टी भी लगती है है ना अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहन के गए तो एप्लीकेशन uh, देनी पड़ती है ना पेनल्टी लगती है तो यहाँ पर डिसिप्लिन रिक्वायर्स uh, तो सही ऑप्शन ठीक है आंसर ए व्हाट इज द ऑफ़ टाइम स्टडी टाइम डिटरमाइन करना तो टू एस्टिमेट और डिटरमाइन अ फेयर डेज वर्क टू एस्टिमेट द प्रॉफिट लॉस नहीं बिल्कुल मतलब नहीं है इनसे तो क्या करना है फेयर वर्क के लिए फेयर डेज वर्क कितने देर काम किया वो पर्पस है टाइम स्टडी का कितना काम किया कितनी देर उसने काम किया है ये डिटरमाइन करना वॉट इज द एम ऑफ मैथड स्टडी बेस्ट मैथड को सिलेक्ट करना बेस्ट मैथड ऑफ डूइंग द जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिस क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहाँ से आए ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐसा तो ना हो ऐसा तो नहीं है कि रात को हनुमान जी ने दर्शन दिए हों कि ले बेटा जा साइंटिफिक मैनेजमेंट कल सुबह जाके सभी को बता देना नहीं ऐसे नहीं हुआ कैसे आए थे ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से ठीक है नेक्स्ट

डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन तो यहां पर बात की गई है रूल ऑफ थम की ठीक है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एफ डब्ल्यू टेलर इज एफ डब्ल्यू टेलर कौन थे अमेरिकन नेक्स्ट वॉट वॉज द प्रोफेसर प्रोफेशन ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू टेलर क्या करते थे मैकेनिकल इंजीनियर ठीक है ऑप्शन ए नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाई टेलर फॉर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली अब यहाँ पर बात की गई है प्रिंस की टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में तो कौन कौन से हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थम हाँ बिल्कुल है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये भी है तो सारे ही इसके प्रिंसिपल्स हैं ऑल द ऑप्शंस विच इज द फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन सा फीचर है इट इज टिक अप्रोच एंड इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज मेंटल चेंज की बहुत बात की गई है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है बोर्ड में तो मेंटल रेवोल्यूशन आप जरूर पढ़ लेना इट इज लेनाटिक अप्रोच इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज नन ऑफ द ऑप्शन तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका इट इज अस्टमेटिक अप्रोच एंड इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज मेंटल चेंज जो बात की गई थी कि एम्प्लॉयज़ और ओनर दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे इंप्लॉयज को यह होना चाहिए कि अगर फॉर्म की ग्रोथ होती है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहीं मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि एम्प्लॉय uh, के साथ ही वो अपनी फॉर्म को ग्रो करा सकते हैं उनके बिना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो यहाँ हमने पहले रिपीटेड क्वेश्चन है

तो यहां पर आएगा आपका फ्लैक्सिबल कि वो फ्लैक्सिबल हैं उन्हें चेंज किया जा सकता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लैक्सिबल अभी हमने बात की नेक्स्ट वाई सेट दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल क्योंकि वो हर हर टाइप के फॉर्म में अप्लाई हो जाते हैं तो अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना ओनली स्मॉल गलत ओनली बिग गलत किसी में भी नहीं होते बिल्कुल गलत तो आंसर ए नेक्स्ट हाउ आर द प्रिंसिपल्स डेवलप्ड प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप हुए हैं एक्सपेरिमेंट से है ना ऑब्जर्वेशन से तो observation, experiment experience manager का वो भी है तो ऑल मोशन स्टडी एलिमिनेट करना पहले ही option है किसका eliminate करना अनप्रोडक्टिव मोशंस को ठीक है रेस्टार्स को नहीं बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फॉर्मनशिप इज फंक्शनल फॉर्मनशिप का बेसिक एम क्या है हर फंक्शन के अकॉर्डिंग एक एक फॉर्मन बनाया था है ना टू सेपरेट प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग फंक्शन नहीं टू सेट टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं टू सेपरेट प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूशन फंक्शन हाँ अलग अलग करना बिल्कुल वेरी गुड बिल्कुल सही है आंसर सॉरी uh, पहले फ्लोर फ्लो में थोड़ा गलत हो गया टू सेपरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं सीईओ तो टॉप तो लेवल में ही आते हैं नॉट टू डिड द वर्क नहीं बिल्कुल गलत है वर्क को डिवाइड ही किया जाता है ऑल द ऑप्शन सारे ऑप्शन तो है ही नहीं तो आंसर क्या होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनल फॉर्मैनशेप इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल फॉर्मेनशेप किसके ऊपर बेस्ड होती है डिविजन ऑफ वर्क के ऊपर अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मैन थे रिपेयर बॉस गैंग बॉस स्पीड बॉस रूट क्लर्क एस्प्रिड डिकॉप मीन्स एस्प्रिडिकॉप्स मतलब यूनिटी एक साथ काम करना ऑप्शन ए गैंग प्लैंक मीन्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ए हम पहले बात कर चुके हैं इसकी नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसके साथ कंसर्न होता हैड वन प्लान एक हैड होगा एक ही प्लान होगा ठीक है एक बॉस के साथ एक प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट कंसर्न विद हैनरी फ्योल फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है देखिए इन्होंने कोई स्टडी नहीं दी स्टडी किसने दी है सारी एफ डब्ल्यू टेलर ने तो ऑप्शन ए टाइम स्टडी हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फॉल रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है फोर्टीन हार्मनी, नॉन डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल इज कंसर्न विद कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट हो और ये जो गेन है वो वर्कर्स के साथ शेयर करें साइंस नॉट रूल ऑफ थम दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर नेक्स्ट

बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है टाइम स्टडी में हमने टाइम डिटरमाइन किया था कि कितना टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता है किसी टास्क को परफॉर्म करने में फैटिंग स्टडी में हमने देखा था कितने टाइम बाद थक जाता है एम्प्लॉय रेस्ट इंटरवल्स के लिए मोशन स्टडी में एलिमिनेट करना था अनप्रोडक्टिव मोशंस को द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर टेलर का ये प्रिंसिपल uh, नहीं है फंक्शनल फॉरमैनशिप साइंस नॉट रूल ऑफ थम हारमोनी नॉट डिस्कोर्ड देखिए ये तीनों ही हैं तो फर्स्ट है आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क डिविजन ऑफ वर्क से रिलेटेड है ठीक है वर्क शुड बी डिवाइडेड स्मॉल स्मॉल टास्क बिल्कुल सही है लेबर शुड बी डिवाइडेड नहीं लेबर की बात की नहीं है डिविजन ऑफ वर्क की बात की गई है तो वर्क को डिवाइड किया जाएगा रिसोर्सेज शुड भी डिवाइडेड नहीं बिल्कुल नहीं डिपार्टमेंट शुड भी डिवाइडेड इंटू सबसे नहीं काम को डिवाइड करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट है हाँ क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होता रहता है साइंटिफिक डिसीजन ले, ले सकते हैं हम इसकी हेल्प से हाँ बिल्कुल सही है ऑप्टीमेशन ऑफ रिसोर्स हाँ बिल्कुल होता है तो ऑल द ऑप्शन हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म प्रिंसिपल्स कैसे बने हैं ऑब्जर्वेशन से भी बने हैं एक्सपीरियंस से भी बने हैं हैं मैनेजर्स के एक्सपीरियंस से भी बने है. अब यहां पर क्या है मैनेजर का एक तो है कस्टमर नहीं कस्टमर का एक्सपीरियंस नहीं होता है यहाँ पर कुछ भी प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट नहीं बिल्कुल नहीं ऑल द ऑप्शंस है ही नहीं तो क्या होगा एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस इस वीडियो के तो टोटल हमने एटी फाइव क्वेश्चन करे हैं आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा बट हाँ यही सही है हमने एटी फाइव क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं और आप खुद सोचिए अगर हम एक चैप्टर के अस्सी से नब्बे तक के बीच में मैं क्वेश्चन लेकर आ रही हूं अगर इतने क्वेश्चन हम एक चैप्टर के कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा टारगेट हम एक अचीव कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके मार्क्स के लिए आपके बोर्ड में ट्वेंटी मार्क्स को अचीव करने में तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए सेम आप ये बताइए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा है आपको लेवल अच्छा लगा और या और डिफ़िकल्ट लेवल आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और आगे की सीरीज हम आगे बनाते जाएंगे फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आप शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सभी की दुआएं आपको मिले ठीक है तो वीडियो आ, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कंटिन्यू करेंगे वन शॉट रिविज़न वीडियोस बिजनेस स्टडीज़ की ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं जिसमें मैंने ट्रिक्स यूज़ की हैं की को याद करने की कि आप की को कैसे याद कर सकते हैं हेडिंग्स को कैसे याद कर सकते हैं की के साथ और बहुत फ़नी ट्रिक्स हैं आपको बहुत आसानी से वो चैप्टर्स याद हो जाएंगे आप उन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं वन शॉट रिविजन को आप देख सकते हैं बाकी ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ और इन चैप्टर्स को अपना सॉलिड करिए तो चलिए साल तो बीता है हम भी इस टाइम को निकालेंगे हम भी बदलेंगे और हमारा वक्त भी बदलेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल देन बाय